लोगों की हुजूम है गणपति बप्पा का आखिरी दर्शन के लिए। सभी लोग जो है अपने अपने पंडाल में, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी पंडाल है वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है ड्यूक के राजा के साथ। तुकाराम सर है, सर क्या कहना चाहेंगे, कितनी साल पुरानी जो है ये गणपति? अभी ये ड्यूक के राजा को 60 साल हुआ, अभी 60 साल पूरा होके, ये 7 साल पूरा हो गया, अभी 61 लगेगा। ये एक्चुअली गणपति है, डुक्स के कामगार जो थे उनका गणपति है। अभी डुक्स वाला फैक्ट्री बंद हो गई, तो मैं खुद डुक्स का कामगार होने के नाते मैंने डुक्स से हमारे अमरनगर में लाया है उनको, और जब इसे हमारा उत्सव चालू है। ये बहुत गणपति सबको मन्नत मांगते हैं, उसके लिए बहुत गणपति बापा आशीर्वाद देते हैं, और एक गरीब लोगों का गणपति है। डुक्स के कामगार जो होते उन्होंने स्थापित किया था, और जब से ये परंपरा चालू है, मैं डुक्स का कामगार और ये अमरनगर में जितने भी रहवासी रहते हैं वो अमरनगर अपने डुक्स वाले हैं, डुक्स वाला फैक्ट्री में काम करने वाले हैं। तो इस प्रसाद परंपरा चल रही है, और बापा आज अभी 1 बजे उनका आरती होएगा, और हम लोग सवेरे दीर्घाव चौपाड़ी जाने वाले, तो 9 बजे इधर से स्टार्ट करते हैं, सवेरे 9 बजे स्टार्ट करते तो उधर 1 बजे पहुंच जाते हम लोग। तो वो हिसाब से उनका जो परंपरा है वो चल रही है, और हम लोग चला रहे। अभी हमारे पीछे हमारे बच्चे लोग चलाएंगे, हमारे जो तरुण पीढ़ी है वो चलाए। आज तो मेरी पोती भी आई है, और पोती भी गणपति की सेवा कर रही है। तो जो गणपति बापा की सेवा जो होता है तन मन धन से हम लोग ने किए है, अभी आशीर्वाद उसको देना है, वो देंगे आशीर्वाद। हो रही है क्योंकि सीएम सर जो है वो एक आम जनता के सीएम बनते दिख रहे हैं, लोगों तक हर हर छोटे गली गली तक भी वो पहुंच रहे हैं। ये राजा का महत्व बहुत महान है। पहले सीएम नारायण राणे थे, वो पहले आए थे इधर डुक्स के राजा में दर्शन लेने के लिए, फिर उद्धव साहब आए थे, फिर आज एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजा का दर्शन करने के लिए सीएम आ रहा है, तो ये बहुत बहुत खुशी है। आप पब्लिक देख रहे हैं, महिला मंडल आई है बहुत सारी, सब पब्लिक देख रहे हैं, सब खुश है कि बाबा सीएम महाराष्ट्र के सीएम इधर आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। आपने एकनाथ शिंदे साहब का हाथ पकड़ा है, किस तरह से आपका पॉलिटिकल करियर जो है आगे बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि आम जनता के नेता हैं। सीएम साहब का हाथ पकड़ा है उसके कारण बहुत सारे, एक बार आपको बताऊंगा आपके चैनल में। क्योंकि मेरा स्कूल का एक बड़ा प्रॉब्लम है, छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सीएम साहब के साथ में गए हैं, तो पब्लिक का बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, और आम जनता भी बाबा अच्छा किया है, चलो कुछ ना कुछ गरीब लोग का काम होएगा, और शिंदे साहब गरीब का सुनने वाला ज़्यादा है, करेंगे वो काम, कुछ ना कुछ तो करेंगे काम। पापा से इस बार क्या मांग रहे थे? पापा को तो यही मांग रहा हूँ कि सब जितना भी जनता है वो सुखी रहो, समृद्धि रहो, और उनको कोई तकलीफ नहीं है, इतना ही पप्पा से मांगता हूँ। और हमारे अमरनगर जो झोपड़पट्टी टूटा है वो जल्द से जल्द बिल्डिंग होना चाहिए, यही मेरी तमन्ना है। तो ये थे तुकाराम काटे साहब जी, इनका साफ कहना है कि बप्पा से वो वही मांग रहे हैं कि चेंबूरवासी जो है वो खुश रहे, उनको सुख समृद्धि मिले, और राजनीति में भी वो आगे बढ़ते रहे। कैमरा पर्सन आदिल के साथ चंद्रशिला। ड्यूक के राजा को परंपरा जिस तरह से कई सालों से चलती आई है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तुकाराम काटे जो कि पूर्व एमएलए थे, और अभी उनकी बहू यानी कि पूर्व नगर सेविका समृद्धि मैम है, तो मैम क्या कहना चाहेगी इस तरह से बप्पा का आशीर्वाद लेने?
मैं सभी भक्तों को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये 9 दिन कैसे चले गए, पापा आए ऐसे लग रहे कल ही आए हैं और आज चले जाएंगे, तो काफी एक मंगलमय यहाँ पे माहौल हो गया था उनकी वजह से, और ऐसा लगता है कि और थोड़े दिन रहना चाहिए, पर जो मन की इच्छा है वैसे पूरी नहीं होती। पर अपना पापा जो है वो सब जो ड्यूक में जो काम करने वाले कामगार थे उनके उन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी इनकी, और ये 9 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है कल ही विराजमान हुए हैं गणपति बापा और कल जाने वाले हैं, तो ये 9-10 दिन का जो समय है वो तुरंत चला गया ऐसा लग रहा है। भागा दौड़ी में हर किसी के पास से इन्विटेशन आए थे, हर घर घर में हम लोग पहुंचने की कोशिश तो मैंने की है, पर जितना हो सकता उतना पूरा किया है, और मनोभाव ऐसे ही लगता है कि गणपति बापा हमेशा अपने साथ रहने चाहिए, गणपति बप्पा हमेशा अपने साथ रहनी चाहिए। यानी 60 साल से जो देवता थे यहाँ पे कामगार बैठाते थे, पप्पा इतने सालों तक कर रहे हैं, अब आप उस जनरेशन को आगे लेके बोले, कितना प्राउड फील हो रहा है कि कामगार का जो देवता है उसको उसकी परंपरा को आप आगे बढ़ा। एक छोटी सी चौल में से बढ़ के ये सामने ड्यूक की कंपनी में जो कामगार काम करते थे उन्होंने स्थापित किया था गणपति बप्पा को, और जब कंपनी बंद हो गई तो यहाँ पे जब बाबा यूनियन लीडर थे तभी उनका ऐसा कहना था कि क्यों ना हम ये बाबा की जो परंपरा है बाबा को मतलब लाना बंद नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बाहर बिठाना शुरू कर दिया। और 60 साल कैसे चले मैं बस वही मैं बोलूँ, 9 दिन का टाइम मालूम नहीं पड़ता था, ये 60 साल बहुत ही अच्छी तरह से, और हर भक्त का उन्होंने जो मनोभाव ने उन्हें प्रार्थना की है वो सब उन्हें सुनी है, और आगे ये परंपरा मेरे और मेरे बच्चों की तरफ ये पढ़ती रहनी चाहिए, और एक उत्साह हमेशा वो निर्माण करते हैं, और जो कुछ कार्य हम करते हैं वो उनकी वजह से ही होती है। सिर्फ दोई का राजा से आप क्या मांग रही है, क्या कहना आशीर्वाद लेना चाहिए? यही इच्छा है कि जो यहाँ पे भाविक आ रहे हैं उनकी हर मनोकामना वो पूरी करे, उनकी हर इच्छा पूरी करे, जो उनको तकलीफ है वो तकलीफ में से उनको राहत दे, जिनको अगर कुछ बीमारी है तो बीमारी से बाहर निकाले, किसी को कुछ आर्थिक मदद या कुछ भी उनको कुछ प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम से बाबा बाहर निकाले। और हम लोग जब विसर्जन करते तो ये सब सारे जो भक्त के दुख दर्द है वो अपने साथ लेके जाए और मंगलमय सब यहाँ पे रहे, यही मैं मनोभाव मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। मैम दूसरी तरफ देखा जाए कि CM साहब आने वाले हैं, आपने CM साहब का हाथ थामा है क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल के वो नेता हैं, तो कितना अंदर से फीलिंग्स है उनके? मैं यही कहना चाहूँगी कि दिन में 150 गणपति करना एक मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने खुद 90 गणपति के जो घर में जब बैठे हैं 1.5 दिन का 2.5 दिन का जब किए तो मैं खुद एग्जॉस्ट हो गई थी, और वो 10 दिनों से वो हर गणपति जो भी कार्यकर्ता उनको इनविटेशन दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, उनके यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे बाबा की भी वही जो जिज्ञासा है कि लोगों के पास हमें पहले पहुंचना चाहिए, तो मैं अपने बाबा को उनके इसमें देखती हूँ कि दोनों सिमिलर है, जैसे कि ग्राउंड लेवल में काम कर चुके हुए नेते हैं, तो काफी अच्छा लगा। ड्यूक का राजा को जो है अलग ही चर्म रहता है, और साथ यही कहना है कि ड्यूक का राजा जो है ये परंपरा जो है जिस तरह से 60 साल से चल रहा है आगे भी उसी तरह से चलते रहे।